नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको ये इस तरह का डोरमेट बनाना बताने जा रही हूँ। और इसको मैंने ये तीन कलर में बनाया हुआ है। और ये देखिए, मैंने तीन कलर ये लिए हैं, रेड है और ये पर्पल और ग्रीन इस तरह से। और ये देखिए मेरा ये, मैंने अभी दो कलियाँ बनाई हुई हैं डोरमेट की। ये देखिए, ये बहुत जब पूरा बन के तैयार होता है, बहुत खूबसूरत डोरमेट बन के तैयार होता है। ये इसी तरह से ये पूरा डोरमेट बनेगा। और इसमें, इस डोरमेट में जितने फंदे, अब मैं आपको 32 फंदे का डोरमेट बताऊंगी, तो ये 32 फंदे के डोरमेट में 16, हर सिलाई में एक एक फंदा हमारा यहाँ बढ़ता है, तो 16 फंदे बढ़ जाते हैं इसी तरह से। तो ये हमारा 48 फंदे का डोरमेट बन के तैयार होता है। और ये देखिए, ये पूरा बनेगा तो बहुत खूबसूरत डोरमेट बन के तैयार होगा। और ये देखिए, इसमें हमने 32 फंदे ये रेड कलर से डाल रखे हैं, ये देखिए। और ये देखिए, हम डिजाइन पहली सिलाई से स्टार्ट करेंगे। तो ये पहला फंदा उतारेंगे, धागा आगे करेंगे इस तरह से। और ये पूरे फंदे अब हम, सॉरी, एक देखिए धागा हम आगे करके एक फंदा हम यहाँ से बढ़ा लेंगे। ये देखिए इस तरह से, ये एक फंदा हमने यहाँ बढ़ा लिया। ये देखिए, हमने एक फंदे का दो फंदा कर दिया। और ये देखिए, अब पूरी लाइन हम ऐसे उल्टी उल्टी बना के हम कंप्लीट करेंगे। ये देखिए, ये सारे फंदे हम उल्टे उल्टे बिनेंगे। अब ये देखिए, हमने सारे फंदे उल्टे उल्टे बिन लिए हैं। इसी तरह से सभी फंदों को हमें उल्टा उल्टा बिन के कंप्लीट करना है। और दो फंदे हम छोड़ देंगे और धागा यहीं से घुमा के पलट लेंगे। अब हम सीधी साइड में आ गए। सीधी साइड मैं आपको एक बार बना के दिखा रही हूँ। और ये देखिए, सीधी साइड में हम सभी फंदे इसी तरह से उल्टे उल्टे बनाएंगे। ये देखिए, सारे फंदों को हमें ऐसे उल्टा उल्टा बना के कंप्लीट करना है। अब ये सीधी साइड के हमने सारे फंदे, ये देखिए इस तरह से पूरे फंदे हमने उल्टे उल्टे बना लिए हैं। ये देखिए, लास्ट तक हमने सारे फंदे उल्टे उल्टे बिने। अब हम फिर से उल्टी साइड में आ गए। ये देखिए, अभी हमारी ये दो लाइनें बन गई, एक में जो हमने बॉर्डर डाले थे फंदे, और एक ये हमने बना ली उल्टी। अब ये देखिए, हम यहाँ पे कलर चेंज करेंगे। पहला फंदा उतारेंगे, धागा आगे करेंगे, और यहाँ पे हम अब ये अपना ग्रीन कलर लगाएंगे। तो ये देखिए, इस ग्रीन कलर से, ये देखिए, अभी हमने एक फंदा में फिर से बढ़ाना है, तो ये हम ग्रीन कलर से बढ़ा लेंगे। ये देखिए इस तरह उल्टा उल्टा ग्रीन। ये देखिए, ये हमने सारे फंदे इस तरह से उल्टे उल्टे, अब हमने ये फंदा, ये हमने धागा छोड़ा था, इसको इसमें फंसा लिया है। तो अभी हमने, ये देखिए, एक फंदा हमने रेड का बनाया है। तो एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, पंद्रह, सोलह, सत्रह, अठारह, उन्नीस, बीस। ये 20 फंदे हमने ग्रीन के किए हैं और दो फंदे हमने यहाँ पे बढ़ाए हैं। तो हम जितना बड़ा डोरमेट बनाएंगे, हमने 32 फंदे का बनाना है, तो हमारे हाफ हाफ फंदे 16-16 होते हैं, तो हम दो एक्स्ट्रा लेंगे। तो हमारे 18 फंदे हम ये ग्रीन से बनाएंगे, और ये यहाँ पे हमारे अभी 14 फंदे हो गए, और दो फंदे हमने ये बढ़े हैं, वो हमारे एक्स्ट्रा हैं। तो टोटल हमारे ये दो फंदे बढ़े हुए और ये 18, तो 20 फंदे हमने ये बीन लिए। अब हमें यहाँ पे रेड कलर लगाना है।
तो ये देखिए मैं इसको धागे को यहाँ पे फंसाना भूल गई, मैं आपको अगली बार बता दूंगी कैसे फंसाना है, नहीं तो ये ऐसे रहेगा जो डोरमेट पे अच्छी सही से नहीं रहेगा। अब ये देखिए पहला फंदा, अब ये देखिए, अब हमने ये 20 फंदे बिन लिए, टोटल 20 फंदे। अब हम यहाँ पे रेड के बिनेंगे, तो ये देखिए पहला फंदा ये इस तरह से रेड से बिना, और इस धागे को हमें ऐसे फंसाना है। ये देखिए 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये 10 फंदे हमने, 2 फंदे हम छोड़ देंगे और ये 10 फंदे हमने रेड के बिन लिए, और धागा यहीं से पलट लेंगे, ये देंगे और धागा यहीं से पलट लेंगे और सीधी साइड में आ जाएंगे। ये देखिए अब हम सीधी साइड में आ गए, तो सीधी साइड में जो जैसा कलर है हमें वैसे ही बनाना है। रेड वाले सारे फंदे रेड कलर से बिनने हैं। ये देखिए हम रेड के सभी फंदों को हम रेड कलर की ये कपड़े की पट्टी से बीन लेंगे। ये देखिए अब हम इस धागे को पीछे करेंगे इस तरह से, ये देखिए इस तरह से, और इसको हम ये इस लेफ्ट हैंड में पकड़ेंगे और इसको हम ये राइट हैंड से खींच आगे लाएंगे इस तरह से खींच के। तो ये हमारा जोड़ है, यहाँ पे हमें इस तरह से बनाना जरूरी है इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ। और ये जोड़ को हर बार इसी तरह से बनाना है और दोनों फंदों को टाइट रखना है, इस तरफ का भी और ये इसको भी रेड वाले को खींच के टाइट कर देना है, नहीं तो ये जोड़ हमारा अलग अलग सा रहेगा और खींचा खींचा सा। और ये सभी फंदों को अब हम उल्टा उल्टा बना लेंगे। ये देखिए इस तरह से अभी हमने ये ग्रीन की एक उल्टी और एक सीधी सिलाई कंप्लीट कर रहे हैं। ये देखिए इस तरह से हमने, ये हमारी दूसरी सिलाई है ग्रीन की। ये देखिए अभी हम सारे फंदों को हम इसी तरह से उल्टा उल्टा ये देखिए बनाएंगे। ये देखिए हमने बना लिए, अब हम सिलाई पलट के फिर से उल्टी साइड में आ गए, ये हमारी सीधी साइड बन गई। सीधी साइड अब हमें हर बार ऐसे ही बनाना है, जोड़ में इसी तरह से बनाना है जैसे मैंने बताया, नहीं तो ये जोड़ हमारा अलग अलग सा रहेगा। अब ये देखिए पहला फंदा उतारा, ये देखिए इस तरह से धागा आगे किया। अब हम एक फंदा फिर से बढ़ाएंगे, ये देखिए इस तरह से एक फंदा हम फिर से बढ़ाएंगे। ये देखिए यहाँ पे हम हर सिलाई में एक फंदा बढ़ाएंगे, तो ये देखिए हमने एक फंदा बढ़ाया और बाकी फंदे हम उल्टे उल्टे फिर से बिनेंगे। ये देखिए अब ये हमारी ग्रीन की तीसरी सिलाई है, ये एक मिनट हमारी गलती हुई फिर से। देखिए इस तरह से ये हमारा रेड का धागा छूटा हुआ है, इसको हम साथ में बिनेंगे, उस बार हमने लेना भूल गए थे इसलिए हम इसको इसी तरह से साथ में ऐसे ले लेंगे बिन लेंगे। तो ये हमारी किनारी, ये देखिए तो धागा कहीं से अलग अलग नहीं दिखेगा और ये सफाई से आ जाएगा। ये देखिए ये इसको हम साथ में एक बार ऐसे नीचे करके और एक बार इस फंदे के साथ में ऐसे बिन लेंगे। ये देखिए इस तरह से, फिर एक बार ऐसे, फिर एक बार ऐसे नीचे से, तो ये देखिए फिर हमने इस फंदे को ऐसे बिना, फिर इस धागे को बिना और इसको साथ में ले लिया। तो ये हमारा इसके साथ में देखिए इस तरह से बिन जाता है और एकदम सफाई से रहेगा, नहीं तो ये एकदम अलग अलग सा और ये डोरमेट में बिछाने में पैरों में भी कहीं भी फंस सकता है हमारे। ये देखिए इस तरह से हमने सारे फंदे ये बिन लिए। अब ये दो फंदे हैं हमारे ग्रीन के, तो इस धागे को हम ऐसे करेंगे और ये दो फंदे हम रेड से बिन लेंगे। ये देखिए इस तरह से ग्रीन वाले दो फंदे हमने रेड से बिन लिए और सभी फंदों को हम ऐसे, बाकी फंदे रेड वाले ऐसे ही बनाएंगे उल्टा उल्टा। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए हमने सारे फंदे बनाए और दो फंदे हम फिर से छोड़ देंगे। हर सिलाई में हम दो दो फंदे छोड़ते हुए आ रहे हैं, पहले ये देखिए हमारी तीसरी सिलाई है इसलिए हमने दो दो के तीन सेट छोड़ दिए हैं, दो ये दो ये ये दो। अब यहीं से धागा पलट के अब हम सीधी साइड में आ जाएंगे और सीधी साइड में जो जैसा कलर है वैसे ही बना के हमें कम्प्लीट करना है, रेड वाला रेड से और ग्रीन वाला ग्रीन से पूरा बना के कम्प्लीट करना है। अब ये देखिए मैं रेड वाले फंदे बिन लिए,
अब इस धागे को ऐसे पीछे करना है और इसको इस तरह से हम पकड़ लेंगे और इसको हम ऐसे आगे लाएंगे टाइट करके, और ये देखिए इस तरह से हम इसको बीनेंगे और इस धागे को खींच के टाइट कर लेंगे और इस फंदे को भी टाइट बनाएंगे और सभी फंदे अब हम इसी तरह से उल्टे उल्टे बना के कंप्लीट करेंगे पूरा लास्ट। अब ये देखिए हमने यहाँ पे सीधी सिलाई पूरी बना के कंप्लीट किया। अब हम फिर से उल्टी साइड आ गए। उल्टी साइड में ये देखिए पहला फंदा उतारेंगे और धागा इसे घुमा के ले लेंगे। अब हम फिर से एक फंदा यहाँ पे बढ़ाएंगे। अब हम यहाँ पे अपना तीसरा कलर लगाएंगे, तो मैं यहाँ पे ये अपना ब्लू कलर लगाऊंगी इसी तरह से, इसको थोड़ा सा बड़ा करके, या आप चाहो तो यहाँ पे गांठ लगा के इस तरह से एक फंदा हमने बढ़ा लिया। अब हम ये दोनों धागों को इस तरह से ऐसे फंसा देंगे इस तरह से, और ये सभी फंदे हम ऐसे ही ये ब्लू वाले इसको साथ में पूरा बीन लेंगे। ये देखिए इस तरह से एक बार ऊपर पकड़ के और एक बार नीचे करके इसी तरह से बीन लेंगे, तो ये हमारी पीछे की साइड एकदम सफाई से आएगी। ये देखिए मैंने वो साड़ी का वो किनारा सिल दिया, तो ये देखिए कितना सफाई से, कहीं पता भी नहीं चल रहा है कि यहाँ से हमने धागा यहाँ तक फंसाया है। और ये देखिए सभी फंदे अब हम उल्टे उल्टे बना के कंप्लीट करेंगे। अब ये देखिए ये हमने पूरे फंदे उल्टे, अब हमारे ये दो फंदे हैं ग्रीन के, इनको हम रेड से बीनेंगे। इस धागे को ऐसे करेंगे और इसको टाइट करके अब हम रेड से बीन लेंगे। ये देखिए अब ये सभी फंदे अब हम ये रेड वाले इसी तरह से उल्टे उल्टे बनाएंगे। अब ये देखिए हमने रेड वाले सारे फंदे इस तरह से बीन लिए और दो फंदे हम फिर से छोड़ देंगे, धागा यहीं से पलट के सीधी साइड में आ जाएंगे। ये देखिए इस तरह से सीधी साइड में रेड वाले रेड से और ब्लू वाले ब्लू से लास्ट तक बीन लेंगे पूरा ऐसे जैसे मैंने बताया, और जोड़ में हमें उसी तरह से धागा फंसाना है। अब ये देखिए हमने सीधी सिलाई पूरी कंप्लीट कर ली जो जैसा कलर है। अब हम फिर से उल्टी साइड में आ गए, तो ये एक बार हमने ब्लू से, ये देखिए हमारी ये दो लाइनें, ये एक और ये दो लाइनें ग्रीन की हो गई। अभी हमें दो लाइनें इसकी भी बनानी है, तो एक बार हमने उल्टा और सीधा बीन लिया। अब एक बार हम फिर से बीनेंगे, धागा आगे करेंगे। अब ये देखिए एक फंदे को हम फिर बढ़ा लेंगे, ये देखिए एक फंदा हम फिर से बढ़ा लेंगे और ये पूरे फंदे और ये एक फंदा इंटीरियर, और इसको हम साथ में ऊपर लेते हुए चलेंगे इस तरह से, हम इसको फंसाते हुए चलेंगे और ये सभी फंदे हम उल्टा उल्टा फिर बनाएंगे। ये देखिए अब ये दो फंदे हम फिर रेड से बीन लेंगे। इस धागे को ऐसे और इसको टाइट करके दो फंदे हम रेड से बना लेंगे। अब ये सारे फंदे हम रेड के बीन लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमारी ये रेड के फंदे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये 12 फंदे हैं, और दो फंदे हम फिर से छोड़ देंगे, धागा यहीं से पलटेंगे और सीधी साइड में जो जैसा कलर है वो बना के हम कंप्लीट करेंगे। अब ये देखिए हमने सीधी सिलाई पूरी कंप्लीट कर ली, ये रेड वाले रेड से और ब्लू वाले ब्लू से। अब ये हमारी ब्लू की दो लाइनें फिर से हो गई हैं, दो उल्टी और दो सीधी, हम चार लाइनें बनाते हैं, दो इससे ग्रीन से बनाई थी ब्लू से। अब हम फिर से ये देखिए पहला फंदा उतारेंगे, धागा आगे करेंगे और ये देखिए एक धागा एक फिर से बढ़ा लेंगे, तो इस धागे को ऐसे करेंगे और ये ग्रीन से अब हम बीनेंगे फंदे। ये देखिए सारे फंदे अब हम ग्रीन कलर से बनाएंगे उल्टा उल्टा। ये देखिए हमें दोनों तरफ से उल्टा उल्टा बीनना है। ये देखिए सारे फंदे हम उल्टा उल्टा बना के कंप्लीट करेंगे। ये देखिए अब दो फंदे ये ब्लू वाले हम फिर ग्रीन से कर देंगे इस धागे को ऐसे, और ये दो फंदे हम अब ग्रीन से करेंगे। ये देखिए इसी तरह से ये दो दो फंदे अब हम लेते हुए
आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये हमारे रेड के फंदे, ये देखिए इस तरह से ये हमारी डिजाइन बढ़ रही है। और ये सभी फंदे ऐसे ही बनाएंगे उल्टा उल्टा, ये देखिए। और दो फंदे हम फिर से छोड़ देंगे और धागा यहीं से पलटेंगे और सीधी सिलाई रेड वाले रेड से और ग्रीन वाले ग्रीन से बना के कंप्लीट करेंगे। अब ये देखिए हमने सीधी सिलाई पूरी कंप्लीट कर ली। अब हम फिर से उल्टी साइड आ गए, तो ये अभी हमने ग्रीन की दो सिलाइयां बनाई, एक सीधी और एक उल्टी। अब हम फिर से पहला फंदा उतारेंगे और इस धागे में ये देखिए इस तरह से हम यहाँ से एक फंदा उठा देंगे और ये एक देंगे और इस ब्लू वाले को ऐसे हम साथ में लेते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे। और ये देखिए सारे फंदे अब हम फिर ग्रीन से बनाएंगे। ये देखिए अब दो फंदे हम रेड से बना देंगे, इस धागे को ऐसे करेंगे और दो फंदे रेड से, एक दो फंदे हमने रेड के बुन लिए और ये पूरी लाइन हम उल्टी उल्टी फंदे रेड के बनाएंगे इसी तरह से। और ये देखिए हमने सारे फंदे रेड के बुन लिए। अब दो फंदे हम फिर से छोड़ देंगे, धागा यहीं से पलटेंगे कि सीधी साइड में आएंगे और सीधी साइड जो जैसा कलर है हमें उसे बनाना है। तो इस बार देखिए हमने ये दो लाइनें, ये दो गांठें हमारी ग्रीन की बनी और दो ब्लू की। अब मैं ये एक गांठ बन के तैयार होगी, मैं वापस जाऊंगी तो दो गांठें हमारी बन के ये तैयार होंगी। इसी तरह से हमें हर बार बनाना है। ये देखिए सीधी सिलाई पूरी हम बनाते हैं। अब ये देखिए हमने सीधी सिलाई बना के कंप्लीट कर ली। अब ये देखिए हमारी दो गांठें रेड की हो गई, अब हम ब्लू की बनाएंगे। तो ये देखिए किस तरह से बनाना है। पहला फंदा उतारा, धागा आगे किया, हर बार इसको ऐसे ही करना है और एक फंदा यहाँ से हम बढ़ाएंगे। तो इस धागे को ऐसे करेंगे और ये देखिए एक फंदा हमने फिर बढ़ा दिया। अब हम ये देखिए इस धागे को ऐसे लेते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे और ये सारे फंदे अब हम ब्लू से बनाएंगे। ये देखिए पूरे फंदे अब हम ब्लू से बना के ये ग्रीन वाले सारे फंदे ग्रीन से ब्लू से बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से सारे फंदे हम ग्रीन से बनाएंगे और ये दो फंदे अब रेड से बनाएंगे। ये हमें हर बार इसी तरह से करना है। तो इस धागे को ऐसे करेंगे और इसको ऐसे करके दो फंदे रेड के बनाएंगे और ये हम सारे फंदे रेड के बिनेंगे, जितने हमारे होंगे उतने ही हमें बनाना है और दो फंदे यहाँ पे छोड़ना है। इसी तरह से हम हर बार करेंगे। तो ये हम टोटल इसमें मिला के अब दो फंदे हम यहाँ पे फिर छोड़ देंगे इसी तरह से। ये देखिए हमें हर बार ऐसे ही बनाना है और ये दो दो करके हम पूरे यहाँ पे 32 फंदे छोड़ेंगे, जो हमने टोटल 32 फंदे डाले हैं और ये एक एक फंदा यहाँ पे हमारा बढ़ता हुआ जाएगा। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ पूरे 32 फंदे छोड़ के और यहाँ पे हमारे 16 फंदे बढ़ जाएंगे और उसके बाद में ये पूरा हम ऐसे ही कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम दिखाएंगे आपको। अब ये देखिए हमने फंदे छोड़ दिए दो दो करके, अब ये हमने 30 फंदे छोड़े हैं। मैं आपको भी दिखा रही हूँ, ये देखिए अब ये देखिए हमने पहला फंदा उतार लिया, धागा आगे किया। तो अभी हमारी ये एक ब्लू, अभी एक लाइन हमें और कंप्लीट करनी है। तो ये देखिए हम पहला फंदा ये इस तरह से एक धागा बढ़ा लेंगे इस तरह से और इसको ऐसे साथ में ये देखिए इस तरह से हम लेते चलेंगे। तो ये किनारी का धागा लंबा नहीं खींचना पड़ेगा। ये देखिए इस तरह से ये हमारी किनारी आएगी। अब ये देखिए एक दो तीन चार, ये चार फंदे हमारे ब्लू के हो गए। अब इस धागे को ऐसे और दो फंदे हम रेड से बुनेंगे। ये देखिए इस तरह से, इसी तरह से अब हमने और ये देखिए चार दो छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह
16। ये देखिए हमने एक एक फंदा हर सलाई में बढ़ाए तो ये हमारे टोटल 16 फंदे बढ़ गए हैं। और यहाँ पे हमने दो दो फंदे छोड़ते हुए यहाँ तक आए तो यहाँ पे हमने 32 फंदे छोड़े हैं जो हमने फंदे डाले थे। और ये देखिए यहाँ पे 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 2, 14, 2, 16, 2, 18, 2, 20, 2, 22, 2, 26 और 2, 28 और 2, 30 और 2, 32। ये 32 फंदे हमने दो दो करके पूरे छोड़ दिए हैं। अब हम सलाई पलट के यहीं से ये देखिए इस तरह से सलाई पलटेंगे और सीधी साइड में आ जाएंगे। और सीधी साइड पूरी ऐसे ही बना के हमें कंप्लीट करना है, ये रेड वाले रेड से और ब्लू वाले ब्लू से इसी तरह से। ये देखिए हमने हर बार हम ऐसे करते हुए अब ये हमारी हाफ कली बन गई है जैसे हमने दो दो फंदे छोड़ के बनाए हैं। ये देखिए इस तरह से अभी सभी फंदे हम उल्टा उल्टा ये हम बुनेंगे। ये देखिए हमने सारे फंदे रेड वाले रेड से बुन लिए हैं और हमने ये देखिए ब्लू के अभी यहाँ पे हमारे 4 फंदे बचे हैं। तो ये देखिए एक इस धागे को टाइट करेंगे, दोनों को हमें टाइट बनाना है, 2, 3 और 4, ये 4 फंदे हमने बुन लिए। और हमारी ये किनारी देखिए हमने इस तरह से हमारी आ रही है, ये थोड़ा फंदे हमें लूज रखने हैं। अब ये देखिए इस अब ये तो हमने किनारे के फंदे सही रखे, अब जब हम इस डिजाइन को पलटेंगे तो हमारे फंदे यहाँ पे लूज रहेंगे। अब ये पूरी हमने हाफ कली तैयार हो गई और दो दो करके हमने पूरे 32 फंदे यहाँ छोड़ दिए। अब हम पहला फंदा ये देखिए उतारेंगे, धागा आगे करेंगे और ये देखिए हम दो फंदे का ये देखिए ये हम सारे फंदे ये देखिए इस तरह से ये हम ग्रीन से बिन देंगे पूरे फंदे। ये देखिए सभी फंदों को हम पूरा लास्ट ग्रीन कलर से बिन लेंगे। ये देखिए अब ये देखिए हम ये फंदा एक फंदा हमने उतार लिया, अब हम दो फंदे का एक फंदा यहाँ पे करेंगे। ये देखिए इस तरह से दो फंदे का हमने एक फंदा बिन लिया और सभी फंदों को अब हम लास्ट तक ये इस तरह से टाइट रखेंगे और पूरे फंदे ग्रीन से हमें यहाँ तक उल्टा उल्टा पूरे यहाँ तक ग्रीन से बिनना है। ये देखिए सारे फंदे अब हम इस तरह से ग्रीन से बना के कंप्लीट करेंगे। अब ये देखिए हमने सारे फंदे यहाँ से लेके पूरे ग्रीन से बिन लिए हैं और ये देखिए सभी फंदों को हमने ये ग्रीन से बना लिए। अब ये दो फंदे बचे हैं, इनको हम नहीं बिनेंगे, इस फंदे पे हम ऐसे लूप लगा देंगे इस तरह से और इसको इसी में पिरो देंगे और यहीं से हम सलाई पलट के सीधी साइड आ जाएंगे। तो ये देखिए दो फंदे हमारे रेड के बिना बिने हैं और ये एक फंदे पे हमने इस तरह से लूप लगाया है और इसको टाइट करके हम अगला फंदा बिनेंगे। ऐसे करने से हमारे ये बीच का सर्कल बहुत छोटा बनता है और बहुत सफाई से आता है और हमारी डिजाइन सिलने में बहुत आसान रहता है और डिजाइन अच्छे से आती है, कोई झोल नहीं पड़ता है। और ये देखिए हम सीधी सिलाई में ये पूरी लाइन हम ऐसे उल्टी उल्टी ग्रीन से बिन के लास्ट तक कंप्लीट करेंगे। अब ये देखिए हमने सारे फंदे लास्ट तक उल्टे उल्टे ग्रीन से बनाए, ये एक फंदा है इसको भी हम ग्रीन से बिन लेंगे और इस फंदे को ये देखिए हमने कितना लूज रखा है, लूज रखना है क्योंकि यहीं से अब हमारी कली मुड़ेगी। अब ये देखिए इस तरह से अब हम फिर से उल्टी साइड आ गए, उल्टी साइड में अब ये देखिए हमारा यहाँ ग्रीन से यही ब्लू से खत्म हुआ था तो हम यहाँ ब्लू से स्टार्ट करेंगे। तो ये यहाँ पे हमारे ये देखिए पहला फंदा उतारा, धागा आगे किया और ये देखिए हम दो फंदे का एक फंदा ऐसे कर देंगे, दो का एक ये देखिए। और अभी हमारे ये यहाँ पे दो फंदे हो गए क्योंकि हमने उस बार यहाँ पे नीचे हमारे यहाँ 4 थे और अब दो इसलिए रह गए क्योंकि हमने दो बार घटा दिए हैं तो इन दो को दो ही रहने देंगे।
और बाकी इन फंदों से ये देखिए इस तरह से हम रेड फंदे बिनेंगे। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह, ये चौदह फंदे हमने बिने। और ये देखिए हमारी ये लाइन यहाँ से बारह फंदे तक है, ये देखिए ये हमने यहाँ तक, ये हमारी कली यहाँ तक है, तो इसको हम यहीं तक बिनेंगे और यहाँ से पलट लेंगे। अब ये देखिए धागा यहीं से पलटेंगे, ये देखिए, और यहीं से सीधी, ये सीधी सिलाई पूरी ऐसे ही बना के कंप्लीट करेंगे जो जैसा कलर है। अब ये देखिए मैं सीधी सिलाई पूरी कंप्लीट कर ली जो जैसे कलर का है। अब हम फिर से पहला फंदा उतारेंगे और इसको लूज रखेंगे, ये देखिए इस तरह से। अब हम ये देखिए ये दो फंदे को एक साथ बुनेंगे, एक दो और एक फंदा और। तो अब ये हमने ब्लू के एक फंदा घटाया है और रेड से दो बिन दिए हैं, तो ये देखिए अभी हमारे इसके यहाँ से बराबर हो गए। अब इस धागे को ऐसे करेंगे, इसको हमें साथ में लेके ऊपर बढ़ना है, ऐसे फंसा देंगे और इसको अब हम रेड से बिनेंगे। इसके हमने उस बार बिने थे 12 फंदे, दो दो चार दो छः दो आठ दो दस, 12 बिने थे। तो अब हम इधर भी एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस और दो फंदे फिर से ले लेंगे यहाँ से ग्रीन वाले, तो 11 और 12 दो फंदे हम लेंगे और यहीं से धागा पलटेंगे और सीधी सिलाई में ये देखिए, और यहीं से पूरा ये लाइन यहाँ तक बना के कंप्लीट करें, इन फंदों को हम नहीं छुएंगे। ये देखिए अब यहीं से हम पूरी लाइन जो जैसे कलर का है, ब्लू वाले ब्लू से और रेड वाले रेड से बना के कंप्लीट करते हैं। अब ये देखिए हमने सीधी सिलाई पूरी बना के कंप्लीट कर ली। अब हम फिर से उल्टी साइड आए, पहला फंदा उतारेंगे, इसको हम लूज रखेंगे। अभी तक हमने इसे बराबर रखा था, अब हमें यहाँ पे मोड़ेंगे तो इसको ढीला रखेंगे। तो ये देखिए हम इसको इतना ढीला रखेंगे और ये देखिए हम दो फंदे का अब फिर से एक करेंगे। तो ये देखिए अब हम ग्रीन से बनाएंगे, तो ये दो का एक कर दिया और दो फंदे रेड से हम बिन लेंगे। ये देखिए दो फंदे रेड के बिने और धागा यहीं इसको टाइट करके अब यहीं से पलट देंगे, ये देखिए। तो अब हम बाकी फंदे जो हमने रेड से बनाएंगे, रेड के हमें हर बार उतने ही फंदे बनाना है, जो हम यहाँ पे दो बढ़ा रहे हैं वो दो यहाँ से हम ग्रीन वाले उठाएंगे, ये देखिए इस तरह से दो, और ये देखिए हमारे रेड के चार हो गए, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, ये देखिए दस फंदे हुए और दो फंदे हम फिर से ग्रीन वाले ले लेंगे, ग्यारह और ये बारह हुए, यहीं से पलट के धागा इसे लेंगे हाँ? तो ये देखिए और यहीं से पलट के हम सीधे जाएंगे, अब ये देखिए उल्टी सिलाई हम पूरी ऐसे जो जैसा कलर है वैसे ही बना के कंप्लीट करेंगे। और ये देखिए हमने सीधी सिलाई पूरी बना के कंप्लीट कर ली, पहला फंदा उतारा, धागा आगे किया और ऐसे घूमा। अब हम दो फंदे का एक फंदा कर देंगे, ये देखिए फिर दो का एक, तो हम ये अब ये देखिए हमारी ये ग्रीन की दूसरी सिलाई है, दो का एक और ये एक फंदा हम फिर भी लेंगे और दो फंदे हम रेड से ले लेंगे। तो ये देखिए हर बार हम ये देखिए दो फंदे रेड वाले बढ़ा रहे हैं और हमें ये दो सिलाई ग्रीन की और दो सिलाई ये देखिए दो गांठे मतलब चार सिलाई ग्रीन की और चार सिलाई ब्लू की हर बनानी। अब ये देखिए मेरी ये तीसरी सिलाई है ग्रीन की, अब दो फंदे हम अब ये देखिए बाकी फंदे हम रेड से बनाएंगे, रेड के हम हर बार दो फंदे इधर बढ़ा देते हैं इधर घटा देते हैं, तो इधर हम दो फंदे रेड के लेते हैं, रेड के हमारे हर बार उतने ही फंदे रहेंगे, एक दो तीन चार पाँच छ सात
आठ नौ दस, ये दस और ये दो फंदे, ग्यारह और ये बारह, और ये बारह फंदे हमारे रेड के ऐसे ही रहेंगे, धागा यहीं से पलटेंगे। आइए देखिए, अब पूरा ऐसे ही बना के कंप्लीट करेंगे, रेड वाले रेड से और ग्रीन वाले ग्रीन से। अब ये देखिए हमने सीधी सिलाई पूरी कंप्लीट कर ली और ये दो लाइनें हमारी, दो गांठें ग्रीन की कंप्लीट हो गई। अब हम यहाँ पे ब्लू लगाएंगे, तो ये पहला फंदा उतारा, धागा आगे किया और हम फिर से दो फंदे का एक फंदा करेंगे, इस धागे को ऐसे, अब हम दो का एक ऐसे, ये देखिए इस तरह से, और ये फंदे, तो ये हमारे दो तीन, अब ये तीन फंदे हमने ब्लू से बिने और दो फंदे अब रेड के ले लेंगे, तो तीन चार पाँच, पांच फंदे हो गए, एक फंदा हमने उतारा, तो टोटल हमारे ये छह फंदे इधर हो गए। अब हम रेड के पूरे फंदे बिनेंगे और दो दो फंदे जो हमारे यहाँ पे जो हमने रेड के ब्लू किए हैं वो हम आगे बढ़ाएंगे, तो ये हमारे रेड के पूरे हर बार बारह ही फंदे रहेंगे। ये देखिए ये, और दो फंदे हम फिर से ले लेंगे, ये इस तरह से, ऐसे ही हमें हर बार बना, ये देखिए इस तरह से। अभी हम सीधी सिलाई पूरी ऐसे ही बना के कंप्लीट करेंगे। अब ये देखिए हमने सीधी सिलाई कंप्लीट की, अब ये देखिए यहाँ तक हम रेड के फंदे लेते हुए आ गए हैं। अब ये देखिए फिर ये पहला फंदा उतारेंगे, धागा आगे करेंगे, तो अभी हमारी रेड की दो सिलाइयाँ हो गई। अब ये हम तीसरी सिलाई, तो अब हम यहाँ पे फिर दो फंदे का एक फंदा करेंगे और इस धागे, ये देखिए दो का एक किया, ये देखिए, और इस धागे को ऐसे साथ में हर बार फंसाएंगे और ये दो का एक कर दिया और सारे फंदे हम ब्लू वाले पूरे बिन लेंगे। अब ब्लू के हमारे एक दो तीन चार, ये पाँच, और दो फंदे हम इससे ले लेंगे, तो छः सात, सात फंदे हो गए, और इसको टाइट करके हम ये बारह फंदे रेड के बनाएंगे, तो ये हमारे दस हो जाते हैं जो दो हम यहाँ पे लेंगे, और तो दो हम यहाँ से बढ़ाएंगे, ये देखिए इस तरह से एक पूरे फंदे, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, और ये दो फंदे यहाँ से ले लेंगे, तो ग्यारह बारह, ये बारह फंदे हो गए। यहीं से धागा पलटेंगे फिर से ये सीधी साइड में, सीधी साइड में पूरा ऐसे ही बना के कंप्लीट करेंगे जो जैसा कलर है। अब ये देखिए हमने सीधी सिलाई पूरी बना के कंप्लीट की। अब हम फिर से पहला फंदा उतारेंगे, धागा आगे, ये देखिए इस तरह से। अब हम फिर एक फंदा घटाएंगे, यहाँ में हर बार एक एक फंदा घटाना है, ये देखिए इस तरह से। अब हम, ये देखिए हमारी दो लाइनें, ये ब्लू की चार सिलाई कंप्लीट हो गई। अब हम यहाँ पे ग्रीन लगाएंगे, तो फिर दो फंदे का एक फंदा, ये देखिए इस तरह से, और ये पूरे फंदे, तो अभी हमारे एक दो तीन चार पाँच, और दो फंदे हम इससे ले लेंगे, तो छः सात, सात फंदे हमने ग्रीन से भी नहीं है, एक फंदा हमने उतारा है, और बाकी हम ये बारह फंदे इसी तरह से हमें हर बार करना है यहाँ तक। ये देखिए ये ग्रीन के फंदे यहाँ तक हैं, मैं यहाँ तक इसको पूरा फंदे ग्रीन की हमने ये जितनी इतनी लाइनें मैंने इस तरफ बनाई हैं उतनी इस तरफ बनाऊंगी, उसके बाद दिखाऊंगी। तो यहाँ पे हमारी ये एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, ये आठ लाइनें हम कंप्लीट करेंगे, जो हमने इस तरफ बनाई हैं वो सेम इस तरफ बनाएंगे, ये देखिए, उसके बाद हम आपको दिखाएंगे पूरा ये इसी तरह से कंप्लीट करके। और ये देखिए ये फंदे हम, ये बारह फंदे हम हर बार बनाएंगे, ये देखिए इस तरह से, और ये दो फंदे हम फिर से ले लेंगे, ये देखिए हर सिलाई में हम दो दो फंदे लेते हुए नीचे की तरफ बढ़ रहे हैं, इसी तरह से हम पूरा बनाएंगे यहाँ तक में, जो ग्रीन के पूरे फंदे, ये हमारे ग्रीन के यहाँ पे 16 फंदे थे, तो मैं ये 16 फंदे तक आ जाऊंगी और यहाँ पे हम टोटल यहाँ तक पहुँच जाएंगे, तो फिर उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी। अब ये देखिए हमने ये कली बना ली है, अभी हमारी यहाँ पे एक लाइन ये ग्रीन की रह गई है, वो मैं आपको अभी दिखाऊंगी। और ये देखिए हमने सारे फंदे लेते लेते यहाँ तक आ गए,
अब ये दो फंदे ग्रीन के हैं और ये जो रेड के हमने नहीं बिने, तो ये चार फंदे अभी हमने नहीं लिए हैं। तो इसको मैं देखिए किस तरह से बनाऊंगी। अब ये देखिए पहला फंदा उतारा, धागा आगे किया और इस फंदे को हम ढीला रखेंगे और ये देखिए दो फंदे का एक फंदा करेंगे। इस धागे को ऐसे इसी में फंसा देंगे, आगे की तरफ हम इसको देते हुए बढ़ेंगे और ये देखिए दो का एक कर दिया और ये सभी फंदे हम ग्रीन के बीन देंगे। तो अब ये देखिए हमारे ग्रीन के कितने फंदे हो गए, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह और ये पंद्रह सोलह और दो यहाँ से ले लेंगे तो सत्रह और अठारह, अठारह फंदे हमने ग्रीन के ले लिए। ये देखिए इस तरह से। और ये अब हम रेड के बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस और दो फंदे यहाँ से ले लेंगे, ग्यारह और ये बारह, दो फंदे हमने यहाँ से ले लिए, बारह फंदे हमने ये ले लिए और यहीं से धागा पलटेंगे और यहाँ से हम ये देखिए इस तरह से पूरी सीधी सिलाई कंप्लीट करेंगे जो जैसा कलर है। तो ये हमारे ये बारह फंदे हैं, ये बारह फंदे हमारे हर बार रहेंगे। देखिए हमने यहाँ से ये रेड के बारह ही बारह बारह फंदे लेते हुए यहाँ तक आ गए और ये देखिए दो दो फंदे यहाँ ग्रीन के हमने उठाए हैं और ये हर सिलाई में दो फंदे हमने यहाँ पे बढ़ाए, ये कभी ब्लू कलर से दो बार और दो बार ग्रीन कलर से बढ़ाए हैं हमने फंदे। और ये देखिए हमारी ये एक कली बन के तैयार हो रही है। अब ये हम फंदों को ये देखिए इन सभी को ऐसे ही हम उल्टा उल्टा पूरा रेड वाले रेड से और ग्रीन वाले ग्रीन से बना के कम्प्लीट करेंगे। अब ये देखिए हमने ये सीधी सिलाई बना ली और यहाँ पे हमने जो एक एक करके फंदे हमने जो 16 फंदे बढ़ाए थे वो हमने एक एक करके 16 फंदे हमने घटा दिए हैं। और ये देखिए अब यहाँ पे आ गए। अब हम ये देखिए किस तरह से बनाएंगे। पहला अब हमको इस धागे को ऐसे करके छोड़ना है, ये देखिए इस तरह से। अब हमको ये पूरी लाइन ये देखिए रेड की बनाना है, तो हम किस तरह से लेंगे, इस धागे को ऐसे लेंगे और इसको थोड़ा सा एक राउंड ऐसे मार देंगे हाथ में और ये पहला फंदा हम उतार लेंगे और धागा इस दोनों को ऐसे करके और ये पूरे फंदे हम ये देखिए अब ये हमने इतना इसको लूज ले लिया है और इसको हम इसको साथ में ऐसे बिनते हुए चलेंगे। ये देखिए ये रेड वाले को जैसे मैंने अभी नीचे बताया था उस बार मैं भूल गई थी, तो मैंने आपको दोबारा बताया था कि अगर बाई चांस हम भूल जाते हैं तो किस तरह से हम इसको कम भरें। अब ये देखिए दो का एक, ये देखिए इस तरह दो का एक नहीं करना सॉरी। अभी हम सारे फंदे रेड से बनाने हैं, तो ये एक बार ये ऐसे एक बार इसको लेंगे और इसको इसके ऊपर से ऐसे ये देखिए इस तरह से, फिर इसको ऐसे, इसको हम लूज इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे बिन्नी में एक बार ऊपर एक बार नीचे होता है तो ये एकदम आ जाएगा सही से। ये देखिए फिर ऐसे बिन लिया और ये देखिए फिर इसको हम ऐसे ऊपर चढ़ाएंगे और ऐसे बिन लेंगे, फिर इसको ऐसे और ये फिर एक ऐसे और ये फिर ऐसे ऐसे बिनेंगे। तो ये हमारा जो हमने ढीला इसीलिए रखा था कि जो बिनने में हमारा ऊपर नीचे होता है तो ये टाइट नहीं होगा और पूरा हमें ऐसे बना के ये देखिए पूरा हमें ऐसे लास्ट तक पूरा यहाँ तक पूरे लास्ट तक फंदे रेड से बिनने हैं। तो ये हम पूरा ऐसे ही बना के कंप्लीट करेंगे जैसे मैंने अभी बताया। इन धागों को उसी तरह से आप फंसा लीजिएगा, देखिए इस तरह से, तो ये हमारा धागा यहाँ पे लंबा खींचा खींचा नहीं रहेगा। और ये देखिए हमने पूरी सिलाई ये लास्ट तक बिन ली, ये मैंने पूरी रेड की लास्ट तक बिन ली। अब हम यहीं से ये देखिए सिलाई पलट के सीधी साइड आएंगे और ये पूरी लाइन हम ऐसे ही बनाएंगे कंप्लीट करेंगे रेड से। और ये देखिए किस तरह से पहला फंदा हम उतार लेंगे इस तरह से, इसको टाइट करके हम अगला फंदा बिन लेंगे इस तरह से और ये सभी फंदे लास्ट तक हमें रेड से बनाना है। और ये हमारे टोटल जो हमने 32 फंदे डाले थे टोटल 32 फंदे अब हो गए हैं। ये देखिए इस तरह से एक दो तीन चार पाँच छ सात
8 ऐसे गिनेंगे तो हमारे ये पूरे 32 फंदे हैं। अब ये देखिए हमने सीधी सिलाई पूरी बिन के कंप्लीट कर ली और ये हमारे अभी 32 फंदे हैं। अब हम ये देखिए अब हमारी यहाँ से दूसरी कली स्टार्ट होगी जैसे हमने यहाँ से बनाया था। तो किस तरह से हम स्टार्ट करेंगे, ये देखिए पहला फंदा उतारेंगे, अब हम यहाँ पे एक फंदा बढ़ा लेंगे, ये देखिए इस तरह से ये दो का एक फंदा हमने यहाँ पे बढ़ा लिया और ये देखिए एक फंदे का दो फंदा कर दिया, तो हमने एक का दो कर दिया और इसको हम ऐसे साथ में ले चलेंगे। ये देखिए इस तरह से हम ये दोनों कलर को एक साथ इसमें घुसा देंगे और ये पूरी लाइन हम ऐसे उल्टा उल्टा बना के कंप्लीट करेंगे। ये देखिए ये सभी फंदे हम ऐसे उल्टा उल्टा बनाएंगे यहाँ लास्ट तक। अब ये देखिए हमने सारे फंदे ये रेड किस से बिन लिए और दो फंदे हम यहाँ छोड़ देंगे और धागा यहीं से पलटेंगे और सीधी साइड में ये देखिए हम आ जाएंगे। सीधी साइड पूरी ऐसे ही बना के उल्टा उल्टा कंप्लीट करेंगे जो जैसा कलर है। अब ये देखिए हमने सीधी सिलाई पूरी बना के कंप्लीट की, अब हम फिर से उल्टी साइड आ गए। अब हम पहला फंदा उतार देंगे और धागा यहीं से घुमा के लेंगे और अब हम यहाँ पे कलर लगाएंगे, तो हम ग्रीन कलर लगाएंगे। जैसे देखिए हमने एक फंदा बढ़ा लिया, अब ये रेड वाले फंदे ये देखिए एक दो इस धागे को हम साथ में लेके चलेंगे, तो इस तरह से ऊपर कर देंगे 3 फिर ऐसे 4 5 फिर ऐसे 6 एक बार ऊपर एक बार नीचे 7 ये देखिए इस तरह से 7 इस धागे को आएंगे 8 फिर ऊपर 9 फिर नीचे 10 इसी तरह से हमें बनाना है 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एक फंदा ही हमारा 20 फंदे हमने ये ग्रीन से बिने हैं और ये दो फंदे हमने बढ़ाए हैं और 18 फंदे हमने लिए इससे। अब ये देखिए दो फंदे हमने दो बार बढ़ाए थे, अभी हमारे ये टोटल 20 फंदे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ये 20 फंदे हो गए टोटल। अब हम ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ये 10 फंदे हम बिनेंगे और दो फंदे हम यहाँ पे छोड़ देंगे और धागा यहीं से पलटेंगे और ये सीधी साइड में आएंगे और सीधी साइड जैसी है वैसे बनाना है। और जैसे मैंने यहाँ पे रिपीट किया था एक एक फंदा मैं ये बढ़ाती हूँ और ये दो लाइन दो गांठे 4 सिलाई ग्रीन की और फिर 4 सिलाई ब्लू की इसी तरह से हम बनाएंगे और एक एक करके फंदा हम यहाँ बढ़ाएंगे तो हमारे यहाँ पे 16 फंदे बढ़ जाएंगे। फिर उसके बाद में हम पूरी एक लाइन ग्रीन की बनाएंगे, फिर जिससे हमने ब्लू से स्टार्ट किया था यहाँ पे हमें ब्लू से ख़त्म किया था, ब्लू से ही हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। फिर दो लाइन ग्रीन की दो ब्लू की इसी तरह से और यहाँ पे हम एक एक फंदा घटाते हुए आ जाएंगे और यहाँ पे हम रेड से दो दो फंदे लेते हुए ग्रीन के आगे बढ़ेंगे और इसी तरह से हमारे टोटल पूरे यहाँ तक जाएंगे और ये हमारे जो हमने 16 फंदे बढ़ाए थे वो घट जाएंगे और फिर उसी तरह से हम ये दूसरी कली स्टार्ट करेंगे जैसे मैंने यहाँ नीचे बनाया। आपको मेरा डोरमेट अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए।